अज असीं तुहानूं एक अजिहे थां दे दर्शन दीदार करवाउण लैके जा रहे हां जिसका इतिहास द्वापर युग नाल जुड़िया होया है। अते कहा जांदा है कि पांडवों वल्लों इस थां ते पंज गुफावां अते शिवलिंग का निर्माण करवाया गया सी, जिस तों बाद इस थां नूं मुक्तेश्वर धाम यानी कि मुक्ति का धाम कहा जांदा है। इस समय असीं पहुंचे हाँ उस इतिहासिक स्थान पर जिसका निर्माण पांडवों वल्लों किया गया सी। कहा जाता है कि इस स्थान पर पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समा बिताया सी, अते इत्थे ही पांडवों ने पंज गुफावां का निर्माण किया सी। इस स्थान पर अज भी वो शिवलिंग मौजूद है जिसनों पांडवों ने स्थापित किया सी। शास्त्रां मुताबिक मनीए तो इस स्थान तो ही पांडवों ने युद्ध विच जित प्राप्त करन दा वर मंगया सी। आज से 5,500 साल पहले द्वापर युग में पांडवों को जब वनवास हो गया था 12 साल का, तो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए 12वें साल के लास्ट में जहां पहुंचे, 6 महीना जहां रहे, जप तप किया, 5 गुफाओं का निर्माण किया। वो मंदिर से लेकर मेरे पीछे तक एक ही गुफा है। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जी महाराज की ये गद्दी है, ये उनका अखंड धूना है, और ये जो मेरे पीछे है ये द्रौपदी माता नाम से रसोई। 2 गुफा भी बाहर है देखने को, लेकिन काम चल रहा है उसकी वजह से आप देख नहीं सकते। और 2 गुफा जो और थी ये बड़े पहाड़ के पीछे रावी नदी के बीच डूब चुकी है, समा चुकी है, खंडित हो चुकी है। ये मुक्तेश्वर धाम है, इनको मुक्ति का धाम भी कहते हैं, इनको जहाँ मिनी हरिद्वार भी कहते हैं। यहाँ अस्थियाँ जल प्रवाही होती हैं, पितरों का पिंडदान भी जहाँ होता है, और सबसे विशेष बात भगवान शंकर जी ने जहाँ पांडवों को जीत प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, उसके बाद ये रावी नदी पार करके राजा विराट की नगरी जम्मू स्टेट में चले गए। अखनूर चिनाब नदी के ऊपर 1 साल का जो अज्ञातवास था उनको उन्होंने वहाँ काटा था। आप पीछे मुड़ के घूम के देख लो, मंदिर के मथे के ऊपर टिक्के लगा रखे हैं हमने 9, ये 9 देवियों के दर्शन है। आपके पीछे बहुत बड़ा टिक्का लगाया, ये है बाबा भैरवनाथ जी महाराज। आपके पीछे चुनरी टांगी है, ये है माता कमला देवी, जो कि लक्ष्मी माता नाम से, दुर्गा नाम से, काली नाम से और वैष्णवी नाम से जानी जाती है। आप इनको थोड़ा ध्यान से देखोगे, इनके सिर के ऊपर नाग देवता जी विराजमान। तो अभी जब आप बाहर निकलोगे, बाहर वाली गुफा के दर्शन, ध्यान कक्ष वाली गुफा के दर्शन करोगे, तो उस गुफा के सीधे अंदर जाना और उसकी सत को देखना। उसमें श्री यंत्र बना हुआ है, लक्ष्मी माता का यंत्र, उसके नीचे बैठकर पांडव ध्यान लगाते थे। यहाँ करोड़ों गुणा फल की प्राप्ति मिलती है। एक विशेष बात और, जो जहाँ 3 अमावस्या लगातार स्नान करता है उसको हर द्वार के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान की जय। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਣੇ ਕਈ ਮੇਲੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।